बॉलीवुड की धरती महाराष्ट्र के मुंबई में शनिवार को सामने आए राजनीति के फिल्मी क्लाइमैक्स को देख सब अवाक है। रात में सत्ता की चेन सजाकर सोया शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गठबंधन शनिवार सुबह उठा तो सब उजड़ा पाया और भाजपा ने अपने दांव से सरकार बना ली। देश में सत्ता के ऐसे ही चरखा दांव की कहानी उत्तर प्रदेश के बूढ़े दिलों में अब भी जवां है। 1989 के विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री घोषित हो चुके चौधरी अजीत सिंह सपने सजोते रह गए और मुलायम सिंह यादव सीएम बन गए थे। कुछ ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र की राजनीति में भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात हुआ फेरबदल, हर किसी के लिए माथा पच्ची का सौदा बन गया है। इस माथा पच्ची में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के साथ साथ भाजपा और अजीत पवार भी उलझते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कभी पवार परिवार की पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे अजीत ने अपने ही चाचा और महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेता शरद पवार को जो झटका दिया है वह उनके लिए कभी न भूलने वाला है। लेकिन इसके बावजूद यह देखना जरूरी है कि अजीत ने झटका रातों रात कैसे और क्यों दे दिया। इसका जवाब कहीं ना कहीं शरद पवार की बेटी के व्हाट्सएप स्टेटस में छिपा था। इसमें उन्होंने परिवार के बीच राजनीतिक मतभेद का इशारा दिया था। केवल इतना ही नहीं, अजीत पवार के उठाए गए कदम से पहले जब भी कभी सरकार बनाने को लेकर एनसीपी और अन्य पार्टियों में बैठक हुई तो उसमें न सिर्फ अजीत शामिल हुए बल्कि अपनी बातें भी रखी। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने मतभेदों को भी सामने रखा जिसको दूसरी पार्टियां समझ नहीं सकी। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि इस उलटफेर की वजह से शरद पवार का पुत्री मोह था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कांग्रेस की ही तर्ज पर एनसीपी और शिवसेना ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सपना हमेशा से ही प्रधानमंत्री बनने का रहा है, बावजूद इसके कि वह लोकसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीट भी बचाने में सफल नहीं हो सके। यह बात जग जाहिर है कि राहुल गांधी की राजनीतिक काबिलियत अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है। लेकिन पार्टी में हमेशा से ही सोनिया के बाद यदि किसी को नेतृत्व सौंपने की बात आई तो वह राहुल गांधी का ही नाम था। सोनिया खुद भी इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकी। कांग्रेस का इतिहास भी इसी तरह का रहा है। इसका ही नतीजा है कि कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति पूरे भारत में हो रही है, बावजूद इसके पार्टी अपनी राह बदलना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ एनसीपी की बात करें तो शरद पवार का झुकाव अजीत पवार की तुलना में अपनी बेटी सुप्रिया सुले की तरफ कहीं ज्यादा है। सुप्रिया को ही उनकी राजनीतिक विरासत का असली वारिस भी माना जाता रहा है। यह तब है जब सुप्रिया का राजनीतिक कैरियर अजीत के सामने बेहद कम है। अजीत पवार को राजनीति में लाने वाले शरद पवार ही थे। 1982 में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में शामिल होने के साथ अजीत का राजनीतिक ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था। इसके बाद वो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और फिर सांसद बने। सुप्रिया के राजनीति में शामिल न होने तक अजीत को ही शरद पवार की राजनीतिक विरासत का असली वारिस माना जाता रहा है। लेकिन 2006 में सुप्रिया के राजनीति में शामिल होने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह समीकरण बदल गया। वह महाराष्ट्र सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं उनके एनसीपी से अलग होकर भाजपा को समर्थन देने की एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन में बनने वाली सरकार में उनका कद कम हो जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को चला जाता। एनसीपी को 2.5 साल के लिए मिलने वाली कुर्सी पर सुप्रिया सुले बाजी मार ले जाती है। हालांकि राजनीतिक जानकार इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि शरद पवार सुप्रिया सुले को सीएम की जिम्मेदारी नहीं देते और यह पद अजीत के ही खाते में जाता। वहीं यदि एनसीपी के खाते में डिप्टी सीएम का पद आता तो इस पर भी अजीत की ही दावेदारी होती। लेकिन जानकार इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि शरद पवार वर्तमान में पुत्री मोह में है और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक विरासत को सुप्रिया सुले को सौंपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः अजीत पवार के शरद पवार का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामने के पीछे भी यही सोच रही है। कांग्रेस और एनसीपी के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पुत्र मोह में पड़े हुए हैं।
उनका पुत्र मोह कभी किसी से छिपा भी नहीं रहा है। शिवसेना से अलग होकर मन से बनने के बाद उद्धव ने आदित्य को ही अपनी राजनीतिक विरासत के तौर पर आगे रखा है। फिर चाहे वो चुनावी रैलियों में भाषण देने की बात हो या अन्य मामलों में, सभी में दोनों एक साथ दिखाई दिए हैं। गौरतलब है कि अब से पहले शिवसेना सरकार का रिमोट कंट्रोल हुआ करती थी, लेकिन आदित्य को चुनाव में उतार कर उद्धव ने ऐसा कर दिया है कि उनकी नजरें अपने बेटे के लिए सीएम की कुर्सी पर है। पहले पहल जो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वे अब भी इस बात को मानने लगे हैं। शिवसेना की माने तो आदित्य के लिए सीएम पद की मांग उन्होंने चुनाव पूर्व भाजपा से हुई बैठक में भी की थी। लिहाजा यहाँ पर भी पुत्र मोह ने महाराष्ट्र के लोगों की अनदेखी की है। महाराष्ट्र का वर्तमान राजनीतिक संकट कहीं ना कहीं इस मोह की वजह से बना है। अब जबकि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही थी, तब भी यही मोह सभी रणनीति के पीछे काम कर रहा था, लेकिन इसका खामियाजा आज महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि भाजपा ने अपना दांव चलकर सरकार बना ली है और ये तीनों पार्टियां आज हाथ पांव पीट रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।